नाज़िम बात करेंगे आज भारत की। जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी ने अपनी पत्नी के साथ वड़ा पाव खाते हुए एक वीडियो शेयर किया। पूरी दुनिया जो है इंडिया के खानों की तारीफ कर रही है। यही तो कयामत है। इंडिया वालों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि ना जब मैं कभी आऊंगी ना, मेरी हाथ तो आजा करे इन सब चीजों से खाना खिला खिला। भूखे नंगो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है। अर्जुन जी के अच्छी बात है ना। सनी फूड, मेरी जो वाइफ है ना वो इंडियन फूड्स की बहुत बड़ी लवर है। अच्छा, बहुत बड़ी लवर है। उसका बस नहीं चलता कि वो पाकिस्तान छोड़ के इंडिया शिफ्ट हो जाए सिर्फ इंडियन फूड के लिए। वाह भाई वाह। अभी दिल तो करता है कि इंडिया जाएं, इंडिया देखें, उधर के खाने खाएं। पहले भी हम लोग साथ रहते थे। कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। कराची में 20 किलो आटे का थैला 2500 रुपए का मिल रहा है। 2500। अच्छा, और हुकूमत ने लंडे के कपड़ों पर। क्या मैं क्या बोला तूने? लंडे के कपड़ों पर। अरे के जाहिल। इंट्रो देख के आप समझ गए होंगे कि भूखे नंगे पाकिस्तानी जो अभी रमजान के अंदर रोजे रखे हुए हैं, एक तो पहले ही ये भूखे हैं, इनको रोटियां टाइम पे नहीं मिल रही, ऊपर से कुदरत ने भी इनके साथ खेला खेल दिया कि अभी पूरा दिन भूखे तो रहेंगे, अब प्यासे भी रहेंगे। तो इन पाकिस्तानियों के दिमाग में चढ़ गया खाना भोजन, और इनकी नजर पड़ी है अब इंडियन खाने पे। तो मैं तो कहता हूं जितने भी हिंदुस्तानी अपना खाना बाहर छोड़ते हैं ना, वो अंदर रखे, फ्रिज में रखे, ताला लगा के रखे, इन पाकिस्तानियों को कोई भरोसा नहीं है। किस बात का सीधा सीधा मतलब क्या है? क्या पता खाना लूटने आ जाए। सबसे पहले इंडियन फूड का बड़ा शौकीन है। क्या चीज और बटर का तो इस तरह इस्तेमाल करते हैं जिस तरह पता नहीं कोई उनके पास पहाड़ है। ठीक है, उनके हर खाने में जनाब चीज, और मैं यकीन करें मेरे मुंह से ऐसे पानी आ रहा होता है। हमारे पाकिस्तान में तो चीज का नाम और निशान नहीं पता है। दूर दूर जाके इम्पोर्टेड खरीदो तो खरीद लो, हलवा खाएं और सो जाएं। अबे इंडियन खाना कैसा है वो यार, उसमें क्या है ऐसा, जो खाता है भाई साहब वो इंडियन खाने के अलावा बात ही नहीं करता। अबे हमें कम नसीब होगा इंडियन खाना खाना। कभी नहीं। मतलब हमें वहाँ का खाना बहुत मजे का। अगर मैं कभी इंडिया गई ना तो वहाँ का स्ट्रीट फूड मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा शौक से ट्राई करूंगी। वहाँ के वड़ा पाव और वहाँ की फैसिनेटिंग डिशेस होती है ना, बहुत ज्यादा मुँह में पानी आता है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बात को तस्लीम कर रहे हैं कि आज मुल्क में महंगाई ने गरीब का वाकई जीना मुश्किल कर दिया, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि इस बढ़ती महंगाई के पीछे वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को दोनों हाथों से लूटा है। हाँ भाई हाँ। अगर मैं भारत के कल्चर की और उनके खाने की बात करूँ तो उसके सब दीवाने हैं, पाकिस्तान से लेके विदेशी लोग। अगर हम विदेशों को देख लेते, अभी जापान के आए थे सदर, ठीक है, उन्होंने वहाँ पे मोदी जी ने उनको लस्सी पिलाई, गोलगप्पे खिलाए, और भी उनको काफी ज्यादा इंजॉय करवाया गया। वो अपने हर फेस्टिवल को उनके साथ सेलिब्रेट करते। आज पाकिस्तान की पॉलिसियां गीदड़ों की तरह ही बनाई जा रही हैं। इंडियंस में कोई एक ऐसी चीज जो आपको बहुत अच्छी लगती है? वहाँ के मोमोज मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, मैं तो खाना भी बन के जाऊंगी। जिस तरीके से बंदी इंडियन खानों पे फिदा है, मुझे तो ये लगता है कि भाई ये एक मोमो पे अपनी जवानी कुर्बान कर दे। इसको कराची में लुंडे लुंडे के कपड़े कहते हैं, पंजाब में लंडे के कपड़े कहा जाता है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? लंडे के कपड़ों पे भी टैक्स लगाने का फैसला कर लिया। अरे अब चुप हो जा, जा। सर, इंडिया जाने का मौका मिले किस शहर में जाएंगे, और इंडिया के कौन सा खाना आपके सोच में है कि यार ये मेरी ख्वाहिश है मैं खाऊं? मुझे उनकी मिठाई का बहुत है क्रेज, के मिठाई उनकी लाजमी खाऊं जो जाफरान में बनती है, और पानी पूरी। आजा बेटा आजा, तुझे जाफरानी मिठाई खिलाता हूँ। मैं खिलाऊँ तुमको जिहादी हो, आतंकी हो, हिंदुस्तान की मिठाई खाओगे, भागो यहाँ से, भिखारी हो। इंडिया जो है वो हेवन है, मतलब हाँ, वेजिटेरियंस के लिए इतना कुछ आपको खाने को मिलता है, इतने ज्यादा ऑप्शन है आपने को। और मैं पनीर का बोलूँ तो बाकी मुझे लगता है कि इंडियन फूड देखे, इंडियन वीडियो दे देखे, हम लोगों को पनीर का पता चला है, मुझे पता ही नहीं था। लानत है पाकिस्तानियों तुम पे, लानत है तुम पे। सुनते जाइए, इसका मुकाबला नहीं है। हल्दीराम्स वालों की अगर आपने कभी ट्राई की हो, आउट ऑफ एनीवेयर बहुत अच्छी। उनकी आप अपना चाय ले लें, काजू कतली चाय, उनकी पापड़ी ले लें सोन पापड़ी, कमाल है भाई। इंडियन फूड का तोड़े दुनिया में कहीं नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं। I've never had pav bhaji with a garlic chutney. That is like, that's like the secret right there. I'm the bhaji special. इंडिया का जो कुजीन है उसकी दुनिया फैन होती जा रही है, और रशियन लोग हमने देखे, अमेरिकन, जापानीज लोग इंडिया सिर्फ इस वजह से आते हैं कि भाई हम वहाँ का फूड स्ट्रीट जरूर ट्राई करें। ऐसे ही ऐसे जलवा है हमारा, है ना, उनका म्यार है, एक नाम है उनकी, एक मिठाई मैं भूल रहा हूँ, लाल पता नहीं कोई ऐसी है, इतनी महंगी मिठाई है पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता खाने पर। वो कोई हजारों के हिसाब से किलो की है वो,
इंडिया के खाने अच्छे हैं, पूरी दुनिया में माने जाते हैं। हाँ। हमारे थोड़ा सा कराची से उनका टच है, वैसे लाहौर में वो चीज नहीं है। क्यों क्यों पता नहीं। तो उनके खाने बहुत ज्यादा वैरायटी है, उनकी फूड स्ट्रीट भी बहुत ज्यादा बड़ी है हमसे ना। हाँ। काफी ज्यादा है। और सुने, इंडिया जाने का मौका मिले सबसे पहले कौन सी डिश लोगे आप? मैं वड़ा पाव। अच्छा यार, मुझे तो वड़ा पाव, मुझे भी वड़ा पाव बहुत ही मजे का होता है। बहुत मजा आता है। मैं यहाँ से इंडिया जाता हूँ खाने के लिए। जाओगे खाने के लिए? मैं जाता हूँ, अभी भी जाते हो? अभी भी जाता हूँ। कौन से शहर गए थे? मैं दिल्ली गया था। नहीं जब ये भाई जाएगा ना तो इसके साथ शायद मैं भी चला जाऊँ इसके साथ वड़ा पाव खाने। जब आप इंडिया जाते हो ना, सबसे ज्यादा तो खुशी इसी चीज की होती है, ये खाना बहुत सस्ता है यार। सही पकड़े हैं। हाँ, क्योंकि सच में इस चीज की खुशी होती है आपको। और हाँ भाई, हाँ। तो उनके खाने बहुत ज्यादा वैरायटी है, उनकी फूड स्ट्रीट भी बहुत ज्यादा बड़ी है हमसे ना। हाँ। काफी ज्यादा है। और उन्होंने वेजिटेरियन में बहुत ज्यादा वैरायटी है, चिकन के अलावा उनके पास बहुत ज्यादा वैरायटी है। इंडिया में आपको ना एक चीज की कोई 100 वैरायटी मिलेगी, मतलब इतनी 100 वो एक चीज ना, खाली इंडिया में डोसा कोई 300 से 400 तरह का टाइप के, खाली डोसा 400 से 500 तरह के डोसे बनते हैं। और हमारी 3-4 सब्जियां होती है पूरे सीजन में, वही पकती है और जो बंदा खा खा के आवाजार हो जाता है। देखो आज फिर मटर, तुम्हें यहाँ मटर से फुर्सत नहीं। कल क्या बना है? मटर। परसों क्या बना था? मटर। दस मटर ने हमारी जिंदगी खराब कर दी, यही सब सुना मटर। बस मैं तो खुद परेशान हूँ, घर में रोज वही बैंगन टिंडे यही पालक वगैरह यही चलती है। सेम मेथड से, बस सेम, कोई उसका शेड्यूल नहीं बना हुआ, कोई मेन्यू नहीं है, जब दिल करे जो मर्जी बना देते हैं घर वाले, पूछते भी नहीं है। अच्छा बात नहीं है। अपनी मर्जी करते हैं। तो इंडिया के तो खानों में भी बड़ा आर्ट है। बस कह नहीं सकते कुछ, उन लोगों में ना ये चीज में शौर है, शौक है, उन्हें पता है कि सब्जी को कैसे बनाना है। वो सब्जी को 10 तरह, एक सब्जी को 10 तरीके से बना देते हैं। सही बात है। पाकिस्तान में सच में ये इंटरनेशनल चेन जो है वो फूड देना शुरू हो जाए ना, तो लाइन लग जाएगी, लाइन, ऐसा रश होगा कि ऐसा लगेगा लोगों को ना खाने के अलावा कोई और काम ही नहीं है। अब ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है? पाकिस्तान में कंपैरिजन बनता नहीं है इंडिया के साथ। इंडिया के पास मसाले ज्यादा है, उनके पास जो उनकी हिस्ट्री है सारी, मीन्स के ना के सब कुछ उनके पास है, हिस्ट्री सारी उनके पास है, हमारे पास इतना नहीं है। तो हमारा कंपैरिजन के साथ बनता नहीं है। हमारे पकवान बहुत कम है, उनके पकवान बहुत ज़्यादा है। सही बात है। तो लाइक उनके ये पूरा ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा वो कंट्री है, मैं जानता हूँ। तो अभी भी जो विजिटर्स आते हैं पाकिस्तान को नहीं, वो इंडिया को जानते हैं। बस नजर ना लगे किसी की इंडिया को ज्यादा, खाने के लिहाज से, खाने के लिहाज से बिल्कुल इंडिया को जानते हैं। तो लाइक उसमें बहुत से के अलग जात के लोग रहते हैं, तो उनके अलग अलग पकवान है, तो इसलिए उस मतलब के वो ना टॉप 10 में आते हैं, मींस के बहुत ज्यादा। तो पूरा वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद में आप लोगों क्या विचार है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और अपने विचारों को अपने साथ लेके मत जाइएगा। यहाँ तक आ गए तो कमेंट करके जाना और साथ में वीडियो को शेयर भी करना। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाते रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।